नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में बुधवार को रिकॉर्ड 7000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद चिंता काफी बढ़ गई है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार से लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राज्य सरकार कर्फ्यू के बजाय लॉकडाउन पर विचार करे, इसके लिए सभी दलों से बातचीत करे। लॉकडाउन से संक्रमण की चेन को तोड़ने में काफी मदद मिलेगी। कोविड की चेन तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड का प्रशासन, देहरादून जिले का प्रशासन, जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, मैं समझता हूँ कि कर्फ्यू की जो पॉलिसी है उससे थोड़ा सा अलग हट करके सोचना पड़ेगा और लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा, कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अगर चेन तोड़नी है, क्योंकि मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, और संक्रमण और मृत्यु दर पर अगर नियंत्रण आपने करना है, उसकी चेन अगर आपको तोड़नी है, तो आपको कर्फ्यू के बजाय लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार सबसे बातचीत करे, सबसे राय मशवरा करे, सबको कॉन्फिडेंस मिले और उसके बाद लॉकडाउन लगाए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए, तो मैं समझता हूँ कारगर साबित होगा। कोरोना संक्रमितों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हो रहा है। सामान्यतः गंभीर मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 6 खुराक लगाई जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या की वजह से अब इस इंजेक्शन की शॉर्टेज मार्केट में होने लगी है। इंजेक्शन की शॉर्टेज होने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि सिटी केमिस्ट को 50 इंजेक्शन मरीजों तक पहुंचाने बेचने के लिए दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस भी मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी डॉक्टर के पर्चे, सीटी स्कैन, कोविड 19 संबंधित सभी तरह के पर्चे सबमिट करने के बाद ही उनको इंजेक्शन दिए जाए। उन्होंने ये भी बताया कि मेडिकल संचालकों द्वारा जो इंजेक्शन मरीजों को दिए जा रहे हैं, उसका डाटा अपने पास है या नहीं, इसी को चेक करने के लिए आज मैं सिटी केमिस्ट पहुंची हूं। उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कम होने के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, इसी के चलते मैंने खुद अपनी देखरेख में रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण कराया। सिटी केमिस्ट पर आए ग्राहक ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए पूरे शहर में इधर उधर दौड़ लगानी पड़ रही है और यहाँ भी इंजेक्शन देने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के आने के बाद हमें इंजेक्शन मिला। एक्चुअली सिटी केमिस्ट को 50 इंजेक्शन अलॉट किए गए थे, जो कि उसे मरीजों तक पहुंचाने के लिए और भेजने के लिए दिए गए थे। क्योंकि बात यह है कि जितने भी जो भी मेडिकल स्टोर पे हमने इंजेक्शन प्रोवाइड कराए हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी भी प्रेस्क्रिप्शन के सिटी स्कैन और कोविड से रिलेटेड सारी जो पर्चियाँ हैं वो सबमिट करने के बाद ही इंजेक्शन का वितरण किया जाएगा। किंतु कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं है और कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं है, बट डॉक्टर द्वारा उन्हें रेमडेसिविर का प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है। इसी के आधार पर उसके द्वारा जो है हमारे ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो है कुछ पेशेंट को ये कही जा रही है कि आप कोविड अपना पूरा पॉजिटिव रिपोर्ट ले आए, उसके बाद ही दी जाएगी। तो इसी के चलते आज मैं यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करने आई और मेडिकल स्टोर द्वारा सारा डाटा रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, किस तरीके से उसका वितरण किया जा रहा है, इस चीज़ की जांच के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मोस्टली जो है पेशेंट बहुत परेशान होना पड़ा पेशेंट को, क्योंकि कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर कोविड के हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट किए गए हैं, बट उनको इंजेक्शन नहीं उनके पास प्रोवाइड है, तो लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और यहाँ पर आपस में काफ़ी एक दूसरे पर थोड़ा सा लोग एग्रेसिव हो रहे हैं। अतः मेरे द्वारा यहाँ पर अपने प्रेजेंस में रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया। एक्चुअली ये जब रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं डॉक्टर, तो पहली डोज 2 इंजेक्शन की लग रही है, बाकी तो इस चीज़ को डॉक्टर ही बता पाएंगे। उसके बाद एक एक इंजेक्शन 4 दिन तक कंटिन्यू लगाया जा रहा है, बट कुछ डॉक्टर जो है प्रीवियसली 2 डोज लिख दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम किसी एक को 2 डोज दे देते हैं तो हो सकता है कि अगले किसी कस्टमर को या पेशेंट को हमारी पहली डोज या फिर सेकंड डोज ना मिल पाए, इसीलिए लोगों में थोड़ा सा अग्रेसिवनेस है इस चीज़ को लेकर। हरिद्वार से इंतजार रजा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण का भय लोगों में देखने को मिल रहा है। संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आती हैं, जहां पर 45 साल के अधिक उम्र के लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। अधिक भीड़ होने पर अस्पताल प्रशासन को सोशली डिस्टेंसिंग बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुबह से ही बढ़ती हुई भीड़ के कारण देर शाम तक अस्पताल में वैक्सीनेशन
का काम चलता रहा, जहां 255 लोगों ने अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। वहीं प्राथमिक विद्यालय सतपोली में कोरोना सैंपलिंग के लिए लगाए गए कैंप को 23 लोगों ने कोरोना की जांच कराई है। कोरोना काल में अपने जीवन की जंग हार चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए समाज सेवी पंडित मनीष गोदियाल द्वारा हवन का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना से मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही कोरोना की जंग लड़ रहे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस अवसर पर समाज सेवी मनीष कुमार ने कहा कि कोरोना के दौरान कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं और कई लोग अब भी इस महामारी से लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है और गत वर्ष से लेकर सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मध्य बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने को लेकर लगभग 100 करोड़ के कार्यों के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौता पत्र पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सचिव तनु कपूर और उत्तराखंड की ओर से पर्यटन सचिव दिलीप ज्वालकर ने हस्ताक्षर किए। मसूरी में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार प्रशासन और पुलिस लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने का आग्रह कर रही है। वहीं कोरोना कर्फ्यू को लेकर बनाए गए नियमों का पालन करने को लेकर लगातार सख्ती बढ़ा रही है। 6 मई से उत्तराखंड के 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मसूरी के मुख्य चौराहों पर SDM मसूरी मनीष कुमार के नेतृत्व में मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल और अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती द्वारा टीम के साथ सड़कों पर उतरकर दोपहर 12 बजे के बाद बाजारों में घूमने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस मौके पर कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।